इस्लामिक गोल्डन एरा विश्व इतिहास का वह दौर था जब इस्लामिक एम्पायर की सीमाएं स्पेन से लेकर भारत के सिंध तक फैली हुई थी। हालांकि सिर्फ इतने बड़े साम्राज्य के कारण इसे इस्लाम का गोल्डन एरा नहीं कहा जाता, इसके और भी कई सारे कारण थे, खासकर साइंस, कल्चर और एजुकेशन। इतिहासकारों के अनुसार इस्लाम का गोल्डन एरा 8वीं शताब्दी में शुरू हुआ था जो कि 13वीं शताब्दी के मध्य तक चला था। हालांकि कुछ इतिहासकार 16वीं और 17वीं शताब्दी को भी इस्लाम का गोल्डन एरा मानते हैं, क्योंकि इस दौरान यूरोप से लेकर एशिया तक इस्लाम को 3 एम्पायर लीड कर रहे थे, जिन्हें गन पाउडर एम्पायर भी कहा जाता है। हालांकि इन तीनों की ही आपस में कुछ ज़्यादा बनती नहीं थी, खासकर ऑटोमन और सफाविद एम्पायर की। खैर दोस्तों, ज़्यादातर इतिहासकार अब्बासिद कलीफेट के शासनकाल को ही इस्लाम का गोल्डन एरा मानते हैं, क्योंकि इसी समय इस्लाम में लोगों ने विज्ञान और कल्चर में काफ़ी प्रगति की। इस दौरान ग्रीक, फारसी, चीनी, भारतीय और इजिप्ट की पुरानी सभ्यताओं के ज्ञान को इन्होंने सम्मान दिया और ज्ञान, गणित, कल्चर से संबंधित पुस्तकों का अनुवाद अरबी भाषा में कराया गया। हालांकि इसके अलावा इस साम्राज्य की जियोग्राफी ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, क्योंकि इनके चारों ओर विश्व की पुरानी सभ्यताएं मौजूद थी, जहां इनके वेस्ट में ग्रीक और वाइजेंटिन विद्वान मौजूद थे। जहां एक तरफ इजिप्ट की सभ्यता और ज्ञान भी था, वहीं एशिया में चीन और भारत का ऐतिहासिक कल्चर और ज्ञान भी मौजूद था। साथ ही ये पर्शियन सभ्यता पर तो पहले ही कब्जा कर चुके थे, और जब 8वीं शताब्दी में इन्होंने अपने एम्पायर को बढ़ाना शुरू किया, तब तक कागज़ और स्याही का विकास चीन से लेकर एशिया तक पहुँच चुका था और 10वीं शताब्दी आते आते स्पेन तक भी पहुँच चुका था। इसका उन्होंने फायदा खूब उठाया और अपने अनुवादकों की मदद से कई किताबें अपनी मूल भाषा यानी कि अरबी में लिखवाई। और दोस्तों, जिस तरह से विश्व की किताबों का इन्होंने अरबी भाषा में अनुवाद करवाया था, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि उस समय एक अनुवादक की तनख्वाह आज के समय में ओलंपिक में खेल रहे एक खिलाड़ी की तनख्वाह के बराबर होती थी, या हम 13वीं शताब्दी से पहले की बात कर रहे हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि उस समय किताबों की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि एक आदमी सिर्फ किताबों की दुकानदारी से ही अच्छा खासा कमा सकता था। और दोस्तों, दुनिया चाहे कितनी भी प्रगति कर ले, लेकिन किताबों का महत्व कभी भी कम नहीं होगा। हालांकि तरीका बदलता रहेगा, जैसा कि कुकू FM ने अपना तरीका बदला है, जहां आपको हिस्ट्री, रिलीजन, मोटिवेशन, नॉवेल, इंटरटेनमेंट, हर टॉपिक से रिलेटेड बुक्स ऑडियो फॉर्म में मिल जाएगी। मतलब यहाँ आपको आंखों पर जोर देने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने कानों का इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको यहाँ एक ऑडियो बुक भी रिकमेंड करूँगा, अ हिस्ट्री ऑफ एंशियंट एंड अर्ली मेडिवियल इंडिया। तो दोस्तों, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी 50% के मैसिव डिस्काउंट के साथ, यदि आप कूपन कोड में HB50 का यूज़ करते हो तो, यानी कि मात्र 199 रुपये में पूरे साल का सब्सक्रिप्शन। सो जल्दी कीजिए, क्योंकि यह ऑफर शुरुआत के 250 यूजर्स के लिए ही है। दोस्तों, इस्लामिक युग के इस गोल्डन एरा को विकसित करने का श्रेय अब्बासिद कलीफेट के खलीफाओं को भी जाता है, जिसकी शुरुआत होती है हारून अल रसीद खलीफा के सत्ता में आने से, और उनके बाद भी अच्छे खलीफा अब्बासिद को मिलते रहे, जिन्होंने अपनी सेना को मजबूत करने के बजाय अपने साम्राज्य की शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया, और उसी का ही परिणाम था कि यहाँ ज्ञान आगे भी विकसित होता रहा। अगर हम आज वर्तमान से तुलना करें तो दुनिया भर के सभी देश आज अपना डिफेंस बजट अपने एजुकेशन बजट से बहुत ज़्यादा रखते हैं, लेकिन उस समय इस्लामिक खलीफाओं ने अपने डिफेंस बजट को कम कर दिया और एजुकेशन बजट को बढ़ा दिया। उन्होंने छात्रों की स्कॉलरशिप, लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी में भारी निवेश किया, और यही कारण भी था कि अब्बासिद कलीफेट की राजधानी बगदाद उस समय दुनिया का सबसे शिक्षित शहर बन चुका था। इस गोल्डन एरा के दौरान कई विद्वानों और वैज्ञानिकों ने ज्ञान को आगे बढ़ाया, जैसे अल ज़हरवी, जिन्हें मिडिल एज का सबसे बड़ा सर्जन माना जाता है, और मॉडर्न शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी का जनक भी माना जाता है। इनके द्वारा लिखी गई किताब अल तशरीक का बाद में लैटिन में भी अनुवाद किया गया था, और आगे चलकर यह किताब यूरोप में काफ़ी प्रचलित हुई थी। इनके अलावा इब्न फिरनासी, जिन्होंने खगोल विज्ञान और इंजीनियरिंग में काफ़ी योगदान दिया था। इनके अलावा अल बिरूनी, जिन्होंने फिजिक्स, मैथ्स, खगोल विज्ञान में काफ़ी योगदान दिया था।
साथ ही वो अरबी के अलावा संस्कृत, फारसी, ग्रीक और हिब्रू जैसी प्राचीन भाषाओं को भी जानते थे। इन्होंने करीब 1017 में भारत की यात्रा भी की थी और भारतीय संस्कृति पर एक ग्रंथ भी लिखा था। इनके अलावा और भी विद्वान थे जिन्होंने इस्लाम के गोल्डन एरा को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, जिनके बारे में हम और कभी बात करेंगे। इसलिए अब बात करते हैं पतन की, यानी कि डाउनफॉल की, कि इतना बड़ा साम्राज्य एकदम से टूट कैसे गया। इसके कई सारे कारण थे और सबसे दो प्रमुख कारण सामने आते हैं। पहला कारण बना आंतरिक कमजोरी और दूसरा था बाहरी विदेशी आक्रमण, खासकर मंगोलों का आक्रमण जिन्होंने साम्राज्य को तहस महस कर दिया। अगर आंतरिक मामलों की बात करें तो दोस्तों 12वीं शताब्दी तक यहाँ का जो आजादी भरा विचार था वो अब खत्म होने लगा था और यहाँ तर्क की जगह धार्मिक आस्था ने ले ली थी, जिसके कारण यहाँ की शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ा। और बाद में जब सरकारें बदली तो उनके शासक छोटी सोच वाले साबित हुए जिन्होंने उन खलीफाओं की जगह ली थी, और ये शासक धार्मिक कट्टरवाद में फंस कर रह गए, जिसके कारण यहाँ रह रहे बाकी धर्म के लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ा। इनमें से कई विद्वान भी शामिल थे। उदाहरण के लिए पारसी लोगों को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। इनके अलावा यहूदी, असीरियन और ईसाई भी थे। इसका सबसे बड़ा कारण बना धार्मिक युद्ध जो कि जेरूसलम को लेकर लगातार हो रहे थे, उससे इस पूरे रीजन में कट्टरवाद फैल चुका था। इन सब के अलावा एक और कारण बना, वो था इतना बड़ा साम्राज्य, क्योंकि यह साम्राज्य इतना ज्यादा फैल चुका था कि इसके शासक इस पर कंट्रोल ही नहीं बना पा रहे थे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि डिफेंस बजट पर कम ध्यान दिया गया, जिसका नुकसान यह हुआ कि साम्राज्य की सेना कमजोर हो गई, जिसके कारण साम्राज्य के टुकड़े होने शुरू हो गए, खासकर मामलुक्स के हमलों के कारण। बाकी ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया मंगोलों ने। मंगोलों ने 29 जनवरी 1258 को बगदाद की घेराबंदी शुरू की, जो कि 10 फरवरी तक चली, और 13 दिन की इस घेराबंदी के बाद अब्बासिद की इस राजधानी ने सरेंडर कर दिया, और हुलगू खान के नेतृत्व वाली मंगोल सेना ने इतनी तबाही मचाई कि सारा शहर ही नष्ट हो गया। और कई ऐतिहासिक लेखों में मंगोलों की क्रूरता को दिखाया गया है। मंगोलों ने बगदाद में मौजूद करीब 36 लाइब्रेरियों को जलाकर खत्म कर दिया, जिसमें ज्ञान का भंडार था। इन लाइब्रेरियों में हाउस ऑफ विजडन यानी कि बगदाद की ग्रैंड लाइब्रेरी भी शामिल थी, जिसमें अनगिनत कीमती किताबें थी। इसके अलावा यहाँ के अस्पतालों और मस्जिदों को भी नष्ट कर दिया गया, और कहा जाता है कि टिग्रिस नदी में जब किताबें फेंकी गईं तो पानी का रंग स्याही के कारण काला पड़ गया था। इतिहासकारों का अनुमान है कि करीब 90,000 लोगों की हत्याएं की गई थी, और इस तरह से इस्लामिक गोल्डन एरा का भी अंत हुआ। हालांकि बाद में भी कई इस्लामिक साम्राज्य फिर से सत्ता में आए थे, जैसे ओटोमन, सफ़ावीद, मुगल, जिन्होंने लंबे समय तक राज किया था, लेकिन कोई भी साम्राज्य इस्लाम के उस गोल्डन एरा को वापिस नहीं ला पाया, जिसका प्रमुख कारण बना यहाँ का धार्मिक कट्टरवाद। साथ ही इन साम्राज्यों ने ज्ञान से ज्यादा अपनी आर्मी पावर पर ज्यादा ध्यान दिया, और बाद में वाइजेंटिन एम्पायर जब खत्म हुआ तो बचे कुचे विद्वान भी अपने ज्ञान के साथ यूरोप चले गए, जिसके बाद यूरोप में पुनर्जागरण काल की शुरुआत हुई। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अब हम थोड़ा एशिया की हिस्ट्री पर ज्यादा ध्यान देने वाले हैं, खासकर भारत के इतिहास पर। और हाँ, कुकू FM को एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।